जब आप इस रूप में पहुंच जाते हैं जिसे इंसानी रूप कहते हैं, तो यहां से आपका विकास प्राकृतिक तरीके से नहीं हो सकता, इसे चेतन तरीके से होना होगा। अगर आप चेतन नहीं होंगे तो यहां से कोई विकास नहीं होगा। बंदर विकसित हो सकते हैं, इंसान विकसित नहीं हो सकता, वो सिर्फ चेतन होकर विकसित हो सकता है। कहीं ना कहीं प्रकृति ने आपकी बुद्धि पर भरोसा किया, उसे विश्वास था कि आपकी बुद्धि इस तरह की है कि आप स्वाभाविक रूप से ऊंची चीज चुनेंगे ना कि नीची चीज। पर आप प्रकृति के भरोसे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने तरीकों से खुद को खुश करें, कहीं ना कहीं कोई चीज किसी विशाल चीज को पाने की गहरी इच्छा रखती है ना। हाँ, आप खुद को धन, कचरे और हर चीज से भर लें, फिर भी ये लालसा नहीं जाती। जब ये लालसा सहन नहीं होती, तब आप खोजते हैं। जब आप खोजते हैं तो क्या आप उस चीज को खुद नहीं देख सकते जो आपके भीतर ही है? आप देख सकते हैं, पर ये अनजान मार्ग है। ये अनजान मार्ग है इसलिए अगर आप अकेले जाएंगे तो आप जानते हैं कोलंबस के साथ क्या हुआ था। वो भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका पहुंच गया। वो मार्ग अनजान था, तो बस संयोगवश वो इस महाद्वीप पर आ पहुंचा। हम बस उन्हीं के बारे में सुनते हैं जो कहीं पहुंचे थे। क्या आप जानते हैं कितने लोग कभी कहीं नहीं पहुंचे? हाँ, हजारों नाविक जो यात्रा पर निकले थे वे कभी कहीं नहीं पहुंचे। अगर आप बिना किसी मार्गदर्शन के अनजान मार्ग पर जाएंगे तो ऐसा ही होगा। आज कोलंबस के यहां पहुंच जाने से जरा देखिए यूरोप से अमेरिका जाना कितना सरल है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के कारण आज ये जाना पहचाना मार्ग है ना। इसी तरह आप एक गुरु के पास जाते हैं क्योंकि वे पहुंच चुके हैं। तो उनके अनुभव का इस्तेमाल करना अच्छा है। क्या मैं इसे खुद नहीं कर सकता? आप कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि खुद करने पर आपको इसमें कितने जीवन काल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि असंभव है, आप इसे एक पल में भी कर सकते हैं, है ना। आप एकदम से भी वहां पहुंच सकते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन 99% लोग बस खो जाएंगे और मिट जाएंगे। इसीलिए एक गुरु जरूरी है। गुरु इज जस्ट अ डिवाइस, गुरु इज नॉट अ पर्सन, दिस मस्ट बी अंडरस्टूड। गुरु बस एक साधन है, गुरु एक व्यक्ति नहीं है, यह समझना जरूरी है। जब आप मुझे एक व्यक्ति से ज्यादा महसूस करना शुरू कर देते हैं तभी मैं आपका गुरु हूं, उससे पहले मैं गुरु नहीं हूं। गुरु पूर्णिमा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक चीज है ऐतिहासिक महत्व, क्योंकि इसी दिन आदियोगी ने खुद को आदि गुरु में बदल दिया था। गर्मियों की संक्रांति के बाद की इस पहली पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। इसे आमतौर पर कृपा का दिन माना जाता है और इसी दिन पहले गुरु ने शिक्षा देने का फैसला किया था। तो यह धरती के हर मनुष्य को एक महत्वपूर्ण चीज याद दिलाता है, क्योंकि हर कोई अपनी सीमाओं में जीता है, शरीर, मन, सामाजिक ढांचे और गुण दोष, हर तरह की सीमाएं। हर इंसान के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन चीजों से परे जाने का एक तरीका है। गुरु पूर्णिमा यही याद दिलाती है।